बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन और ददाहू में 2 दिन लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। जिला मुख्यालय नाहन और गोविंदगढ़ मोहल्ला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधीश डॉक्टर आर के परूथी ने अगले 2 दिन नाहन और ददाहू में लॉकडाउन करने के आदेश जारी किए हैं, जो कि शुक्रवार देर रात 9 बजे से सोमवार तक लागू रहेगा। इस दौरान दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। 2 दिनों में दूध की सप्लाई भी सुबह 7 से 9 बजे के बीच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा बाजार में लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में साफ किया गया है कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर अभी तक जिला प्रशासन ने 3 लाख का जुर्माना वसूला है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी हमारे संवाददाता प्रदीप कल्याण के माध्यम से। उपायुक्त सिरमौर ने क्या कोई 1500 के आसपास की हम सैंपलिंग कर चुके हैं, जो गोविंदगढ़ के स्थायी निवासी है। आज भी वहाँ पे कोशिश करेंगे शाम तक जो हमारी सैंपलिंग है वो सारी हो जाए, ताकि 1-2 दिन में जितने भी केस यहाँ से आने हैं उनको उस अनुसार हम ट्रीटमेंट दे पाएँ और कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर पाएँ। ये संक्रमण नाहन के अन्य जो निवासी हैं उनको ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रशासन ने सभी विभागों से बातचीत करके, लोगों से फीडबैक लेके ये फैसला किया है कि जो भी हमारी दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, आज रात 9 बजे के बाद 2 दिन के लिए बिल्कुल लॉकडाउन रहेगा। जितने दूध वाले हैं सवेरे 7 बजे से लेके 9 बजे तक 2 घंटे में जो दूध की सप्लाई करनी है 2 घंटे में दूध की सप्लाई ख़त्म करेंगे। सेम ऑर्डर जो है, जो हमारा ददाहू टाउन है वहाँ भी पिछले कल एक केस आया है, ये ऑर्डर वहाँ भी लागू होंगे। किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट, जो व्यक्तियों की गाड़ियों की कोई भी मान्य नहीं होगी, इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मॉर्निंग वॉक के बहाने, दवाइयाँ लेने के बहाने, किसी न किसी कूड़ा फेंकने के बहाने बिना मास्क लगाए सरेआम घूमते नजर आते हैं, प्रशासन बिल्कुल सख्त रवैया अपनाएगा अगर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे पास जो एवरेज पॉजिटिव केसेस का नंबर था वो 12, 13, 9, 10, 8 इतना रहता था। जब ये गोविंदगढ़ में जब ये मैरिज के करके जो भी ये केस आया है, इसकी वजह से काफ़ी वृद्धि हुई है जो पॉजिटिव केस आने में, तो हमें बाध्य होना पड़ा कि हमारे कोविड केयर सेंटर और भी बनाए जाएं। तो पिछले कल पांवटा में 2 जो कोविड केयर सेंटर हैं, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है धोला कुआं में, एक तारू वाला स्कूल है पांवटा में, इन दोनों को कोविड केयर सेंटर बनाया है। अब हमारे पास जो भी पॉजिटिव पेशेंट हम संभावना लगा रहे हैं उन सभी को रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब तरह की सुविधाएं हैं हुआ है। और सिरमौर पहला जिला है जिसने 3 लाख से ज़्यादा का वसूली की है फाइन लगाकर। लेकिन ये जुर्माना लगाना कोई तर्कसंगत नहीं है, व्यक्ति को खुद सुधरना होगा, अपनी आत्म में सुधार लाना होगा। जब मास्क से ये प्रचार कर रहे हैं कि बिना मास्क लगाए आप बाजार में मत घूमें, अगर अभी भी कोई घूमता तो सरेआम बेवकूफ़ी है, ना केवल अपने आप के लिए घातक है औरों के लिए भी घातक है। तो सबकी ड्यूटी भी बनती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है बिना मास्क के घूमते हुए उसको रोकें। सिर्फ जिला प्रशासन की या पुलिस की वो नहीं है कि पुलिस रोकेगी तभी व्यक्ति अपनी दुकान खोल रहा है या मास्क नहीं लगा रहा है, सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है, सभी अपना रोल निभाएं और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सब सुरक्षित रहें।